मैंने मंसूर खान को जो जीता वही सिकंदर में असिस्ट किया डायरेक्शन में, तो तब हुआ ये कि उन्होंने देखा कि मतलब गानों में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा थी और मैं उनको हेल्प भी कर रही थी। तभी सरोज खान जी, उनकी डांस डायरेक्टर थी, तो सरोज खान जी कोई और शूटिंग में चली गई इनका काम छोड़ के, तो तभी मंसूर ने डिसाइड किया कि मैं करूँगी वो गाने, मतलब बिटवीन हिम एंड मी हम लोग मिल के गाने कर देंगे, देयर इज़ नो नीड टू कॉल हर बैक। तो आई थिंक आई जस्ट हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और मतलब मुझ में इतनी इंटेलिजेंस थी कि वो अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया और उसको पूरी तरह से निभाया। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे आता था, और मतलब आई वॉज क्लेवर इनफ टू डू वॉट ही आस्क्ड मी टू डू। तो इस तरह से आपकी ये शुरू हुई, तो लाइक नो मेजर असिस्टिंग किसी बड़े? नहीं, मैंने किसी को, मैंने मंसूर को भी एक महीना असिस्ट किया और वन मंथ के शेड्यूल के बाद मैं डांस डायरेक्टर बन गई। तो डांस डायरेक्टर को मैंने कभी असिस्ट ही नहीं किया, किसी को नहीं। अगर मैंने किया होता तो शायद मैं अभी तक असिस्टेंट ही रहती, क्योंकि असिस्टेंट से डांस डायरेक्टर बनना बहुत टफ है। डायरेक्टली बन गई मैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप क्या कहोगे? आई थिंक लक 50% एंड 50% डेफिनेटली माई हार्ड वर्क, और कि मैं मतलब मुझ में इतनी कैपेबिलिटी थी कि किसी ने मुझे वो चांस दिया। मैं पूरी तरह से उसको 100% नहीं कहूँगी कि लक, 50% लक के मतलब सरोज जी वो गाना छोड़ के कहीं और चली गई तो वो मतलब लक वॉज, इट वॉज गुड फॉर मी। मगर अगर मुझ में कैपेबिलिटी नहीं होती और अगर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं थी तो मुझे कोई नहीं देता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द फिल्म जो जीता वो सिकंदर हैज चेंज्ड यू एंड यू हैव प्रूव्ड टू बी अ सिकंदर। आई होप, या एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिव यस। हाउ हैज इट चेंज्ड यू? सी चेंज मी इन द सेंस के मुझे अभी एक असिस्टेंट से मुझे एक मास्टर बनने का मौका मिला, जो बहुत कम लोगों को मिलता है, और मतलब बहुत कम उम्र में मुझे ये मिला, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि मैं 40 साल की उम्र में जाके मास्टर बनूँ ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत यंग एज में आई बिकेम अ कोरियोग्राफर, और उसके बाद आई थिंक द गाने उसके इतने पॉपुलर हुए कि मुझे और काम मिला, और मुझे मतलब बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम मिला, जैसे विनोद चोपड़ा हो या कुंदन शाह हो या मणि रत्नम हो या राम गोपाल वर्मा हो या आदि चोपड़ा हो या यश चोपड़ा हो। आई गॉट टू वर्क विद द क्रीम ऑफ डायरेक्टर्स, आई डोंट हैव टू स्ट्रगल विद बी ग्रेड एंड सी ग्रेड मूवीज। सो आई थिंक दैट वॉज अ गुड थिंग, जो जीता में एक सर्टन क्लास अपील थी विच हेल्प मी इन माई करियर। जो जीता में ये गाना बहुत पहला नशा, हाँ वो मेरा फेवरेट, मतलब मेरा पहला गाना था वो। तो उसमें वो स्लो मोशन हाई स्पीड वगैरह हाँ। करके तो मैं कैसे विजुलाइज किया ये एक्चुअली हाई स्पीड और लिप सिंक उन्होंने मणि रत्नम की फिल्म आई थी गीतांजलि उसमें से देखकर लिया था वो कॉन्सेप्ट। मतलब वो गाना बिल्कुल अलग था, खाली वो टेक्नोलॉजी सेम थी कि लिप सिंक और हाई स्पीड फर्स्ट टाइम, मगर जो गाने का जो कॉन्सेप्ट था वो मतलब मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड बाय इट एंड आई वॉन्टेड टू डू इट एट दैट टाइम। आई टोल्ड मंसूर वी शुड डू इट लाइक MTV सॉन्ग्स, और तभी MTV था नहीं इंडिया में, वी टू गेट कैसेट्स ऑफ यू नो म्यूजिक वीडियोज, तो ऐसा कि बहुत सरियल करना चाहिए उसको, एकदम जैसे वो अपनी धुनकी में और ये कोई उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मंसूर वॉज रेडिली एक्सेप्टेड ऑल द सजेशन, क्लासरूम में उसको डाल दिया। ऐसे मतलब हीरो शुड बी इन वेरी नॉर्मल सर्कमस्टांसेज बट हिज बिहेवियर शुड बी वेरी अबनॉर्मल। तो आई थिंक एज वेल माई फर्स्ट सॉन्ग आज वेरी चार्ज अबाउट इट एंड ऑल्सो एंड टू मंसूर क्रेडिट ही टेक्स एवरीबडी सजेशन, ऐसे नहीं कि यू आर न्यू एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो ऐसे आपका आपकी जर्नी शुरू हुई, हाँ which was the next film? Initially, आपको क्या-क्या problems आए stars से? Because you being जैसे आपने कहा करके young age में आपको direction. See, I think the first hero I worked with was Aamir Khan. He was no problem. मतलब he was so sweet के बड़ा hero, वो बहुत बड़े hero थे तब and he could have put his foot down and said के नहीं मैं कोई नए के साथ नहीं करूँगा। और जो जीता was a very big film that time. कयामत से कयामत तक के बाद मंसूर की second film थी। बट आमिर ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये लड़की क्यों कर रही है या सरोज जी को वापस बुलाओ। इनफैक्ट ही इज़ टू हेल्प मी अलॉट एंड ही इज़ टू मेक एवरीवन कॉल मी मास्टर जी ओवर ऑन द सेट, विच वाज वेरी एम्बैरेसिंग। और सेकंड फिल्म विच आई डिड वाज कभी हाँ कभी ना, जिसमें आई मेट शाहरुख
शाहरुख भी एकदम न्यू कमर था तभी, सो देयर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. शाहरुख और मेरी मतलब एकदम फर्स्ट मीटिंग से दोस्ती हो गई एंड बोथ ऑफ अस एक्चुअली हमारे करियर एकदम साथ में ग्रो हुए हैं, क्योंकि जो कभी ना कभी हाँ कभी ना वॉज माय सेकंड फिल्म और शाहरुख की भी सेकंड फिल्म थी, वो दीवाना किया था उसने. तो आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद स्टार्स. दो इन 1942 आई रिमेम्बर जब मुझे 1942 के लिए बुलाया गया तभी अनिल कपूर हैड अ प्रॉब्लम एंड ही टोल्ड विनोद के इतनी बड़ी फिल्म है एंड दिस ही विल नॉट बी एबल टू मैनेज एंड यू शुड कॉल सरोज खान एंड ऑल. Until now he says sorry to me because I keep reminding him about it. But the minute I shot the first song, then Anil and me are very good friends now. So he didn't have a problem and he was big enough to come and say sorry and say that no, I thought that you would not be able to do it. But 1942 ke gaane bhi bahut smooth, ekdam easy going gaane the. Haan, wo bhi kuch aise hi tha jaise aapka like easy going gaano mein bahut mehnat karni padti hai. Jo fast डांस नंबर्स हों तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इजी गोइंग नंबर्स में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि ऑडियंस का अटेंशन कैसे रखे 5.5 या 6 मिनट तक विदाउट पीपल सीइंग डांसिंग. सो फॉर मी दैट इज मोर डिफिकल्ट टू डू अ लव सॉन्ग इज मोर डिफिकल्ट टू मी देन टू डू अ डांस नंबर लाइक छैया छैया और समथिंग दैट इज स्टिल इट्स फन एंड इट्स यू नो इट्स डांस स्टेप्स बेसिकली. बट टू डू अ सॉन्ग लाइक मे बी पहला नशा कुछ कुछ होता है the title song, that takes lot of imagination, much more than just dance steps. अभी आपकी recent आई थी चिंगिया चिंगिया एकदम ही different गाना था train के ऊपर. हाँ कैसे हुआ, कितने दिन में ये हमने actually 4.5 दिन में हमने चिंगिया चिंगिया shoot कर दिया. हमारे पास train सिर्फ 5 दिन के लिए थी तो by 5th day by lunch we had finished the song. और ये ऊटी में किया हमने, ऊटी और कुनूर. और actually problem ये हुई कि train बहुत छोटी थी, we wanted a broad gauge. मगर उस स्टीम इंजन हमको मिली सिर्फ नैरो गया तो और छोटी मतलब कुछ 6 फीट भी नहीं था ऊपर एंड इट्स कर्व्ड एट द साइड्स एंड ऑल माय डांसर्स हैड टू स्टैंड ऑन टॉप बट वी जस्ट वेंट ऑफ लाइक दैट. हमको लगा बहुत मुश्किल होगा और रिहर्सल की नहीं थी किसी ने क्योंकि ट्रेन थी नहीं हमारे पास. और मतलब रिहर्सल फ्लोर पे की थी ग्राउंड पे बट मूविंग ट्रेन पे नहीं की थी एंड नोबडी एवर हैड डन अ सॉन्ग लाइक दिस बिफोर आई थिंक एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो वी नेवर हैड अ रेफरेंस पॉइंट के उनसे पूछ लें कैसे क्या मुश्किल है ऑल दैट. मी जस्ट वेंट अप एंड वी स्टार्टेड डांसिंग एंड देन इट जस्ट वेंट वेरी स्मूथली. वो गाना जिस तरह से शूट हुआ जितना पॉपुलराइज हुआ कैसा फील हुआ आई थिंक व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई न्यू इट्स अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग. जब हमको स्क्रैच मिला था मतलब रहमान ने ऐसे कुछ छैया छैया का खाली ट्यून नो म्यूजिक कुछ नहीं था उसमें बट दैट टाइम आई न्यू इट्स अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग एंड देन इवन आई थिंक मनी सर ऑल्सो न्यू दैट. So he said we should picturize it very differently. Actually पहले हम रेलवे स्टेशन पे करने वाले थे फिर हमने बोला कि ट्रेन पे करते हैं और फिर तो 6 महीने ट्रेन ढूंढने में चले गए, ट्रेन ही नहीं मिली किसी को. फिर बाद फाइनली वी गॉट द ट्रेन इन ऊटी. आई मीन वी हैड टू मेक डू विद दैट ट्रेन बट इट लुक्स रियली नाइस. और बॉयज को बोल के रखा था ज़्यादा मतलब प्रिकॉशंस ये थे कि ज़्यादा डांसर लेके गए हैं 3-4 अगर गिर जाए बट नोबडी फेल डाउन एंड it was one of the best experiences I've had in my career.